नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन हुआ है आज का, जो रीट का पेपर हुआ है। प्रश्न काफ़ी आसान थे, ठीक है, फिर भी हम आज आपके लिए सोल्व कर रहे हैं पूरे 60 क्वेश्चन एसएसटी के। देखिए, पहला क्वेश्चन था, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करती हैं कि, क्या सुनिश्चित करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, वो होगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो आया था, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों जीवन बीमा के लिए, इसका राइट आंसर होगा जीवन बीमा। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आया था, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है दोस्तों जिला फोरम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो आया था वो आया था, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। हमने रीट के जितने भी वीडियो बनाए थे, अगर एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से आए हैं तो निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न आए हैं, आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय है वो है दोस्तों जयपुर में। ठीक है, हमने जो वीडियो बनाया है, एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आया है तो उन वीडियो से निश्चित रूप से आया होगा, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस ज़िले में है? तो 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस ज़िले में है? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। 100 टापुओं का जो शहर कहा जाता है किसे? बांसवाड़ा को, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? कल ही जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा सहरिया। ठीक है, सहरिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों जैसमंद, इसका राइट आंसर होगा जैसमंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो वो है दोस्तों सरसों, इसका राइट आंसर होगा सरसों। अगला क्वेश्चन आया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अध्यापक कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ठीक है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो है दोस्तों ग्लोब, इसका राइट आंसर होगा ग्लोब। ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं एसएसटी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था 101, डोंगजी व जोहारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, डोंगजी और जोहारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर और जोधपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण करने वाले थे दोस्तों जोरावर सिंह भारट। ठीक है, कौन थे? जोरावर सिंह भारट, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 नंबर का क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोपाल सिंह खरवा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था कि कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं कि कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1, 2, 3, 5, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता और राणा पुंजा और चारण जैसा, ये सब क्या थे? महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। तो 1, 2, 3, 5 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है दोस्तों राम गोपाल पोद्दार की छतरी को। ठीक है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी इसका राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है तो वह दोस्तों क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन था ये, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या थी? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवने हैं उसके प्रवाह की दिशा कैसी थी? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? तो चूहा खाद्य श्रृंखला में कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज आया था, कौन सा कथन सही है? चक्रवातों के बारे में पूछा था, तो चक्रवातों के बारे में जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशा में होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को का मनोनयन किया जाता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों 1/6। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, 1/6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों अनंत सेनम अयंगर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है दोस्तों द्वितीय मतदान अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 114 आया था, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है किस प्रकार की सरकार में? संसदीय प्रकार की सरकार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन था, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण था दोस्तों व्याख्या करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार मैंने बताया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये पहले मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था, संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है? तो कृषि और सिंचाई को राज्य सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 129 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, मैंने जो ट्रिक बताई थी वहीं से क्वेश्चन आया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन था दोस्तों वो था, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है वो है? तो इसका राइट आंसर था ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र को नाम दिया गया है दोस्तों परख, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर था 2004-2005, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 123, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? प्रश्न को ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर बता पाए होंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 124 आया था, 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये बनाया गया था दोस्तों 2012 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित हैं? तो दुर्गादास जो राठौड़ हैं उनकी छतरी किस राज्य में थी दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ था, वो हुआ था दोस्तों मेवाड़ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रखती हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सीकर। ठीक है, सीकर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजट्टी जो आभूषण है वो गले में धारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत से के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी दोस्तों 1911 से 1921 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 132, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, कौन सा लोह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो भारत में सर्वाधिक पुराना जो लोह इस्पात कारखाना था वो था दोस्तों कौन सा? टिस्को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टिस्को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन था वो भी, क्वेश्चन नंबर 133, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम बताना था। उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम बताना था, तो पहले भाबर, फिर तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो आया था, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन सी लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है, वो क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों राजस्थान। कौन सा? राजस्थान इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ये हो गया है? ठीक है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों फरवरी 1922 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आया था, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि गलत बताने से बढ़िया उसको छोड़ दे, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तक में है और न धार्मिक सिद्धांतों में? ये कहा था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है चोखा मेला को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज सिंह। ठीक है, राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर पत्र लिखकर विरोध प्रकट किया था। अगला क्वेश्चन था, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इसका राइट आंसर था अलगोचा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142, कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों, वो था ऑप्शन डी, कंबोज राजपूत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, कंबोज राजपूत। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए,
बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था बंड देवरा कहाँ स्थित है? बारा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 144 आया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर था केवल एक, यानी उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये राइट है। उसने अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, जैन धर्म स्वीकार किया था। उसने अशोक का अपना उत्तराधिकारी बनाया नहीं बनाया, ठीक है, केवल एक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों में जो दो कथन दे रखे हैं कौन से सही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो, दोनों, ठीक है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर एक और दो होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको 6 स्थान दे रखे थे, आपको बताना है कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है, ठीक है। एक तो होगा मोहनजोदड़ो, एक होगा हड़प्पा, तो इसका राइट आंसर 1256, 1256, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो और कोटदीजी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ब्रह्मगुप्त का जन्म जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों जालौर में। कहाँ? जालौर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन था, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दे रखे थे, आपको बताना था कौन से कथन सही हैं? तो वैदिक काल के बारे में जो तीसरा जो कथन है वो तो गलत है, ठीक है, तीसरा कथन वो तो गलत है, बाकी जो दो कथन ऊपर दे रखे हैं वो क्या है, सही हैं। तो कथन एक और कथन दो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 आया था, संत दरियावजी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों रेण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, आखिरी क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन दो, यानी केवल दो, केवल दो इसका राइट आंसर। उसके बचपन का नाम वर्धमान था, बाकी ये जो 3 कथन है वो गलत थे, ठीक है। तो पूरे 60 क्वेश्चन हमने बता दिए दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ और 60 में से कितने आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है। जय महाकाली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।